everyone. How are you all? I hope you all are doing good and thank you for liking us and subscribing us. और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर आवर फ्यूचर अपडेट्स. आज की वीडियो में मैं लाई हूँ शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी ड्रिल्स. लॉकडाउन पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी हमारा सिटिंग जॉब है और मोस्टली हम लोग बैठे बैठे इतने लेजी एंड लेथार्जिक हो गए हैं कि हम अपने मोबिलिटी ड्रिल्स करना भूल चुके हैं. सो वैसे आप अगर वर्कआउट करते हैं तो डेफिनेटली आप लोग मोबिलिटी ड्रिल्स करते ही होंगे, मगर आप जो लोग वर्कआउट नहीं कर पा रहे इस ड्यूरेशन में तो प्लीज अपने मोबिलिटी ड्रिल्स तो करते रहिए ताकि आपकी जो शोल्डर्स, आपकी नीज, आपकी बैक, इन सब के जो जॉइंट्स हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी बनी रहे. तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ वर्कआउट बताने वाली हूँ जो आपकी मोबिलिटी ड्रिल्स के ऊपर है, वो भी शोल्डर के. सो इस वर्कआउट के अंदर आप लोगों को जरूरी नहीं है कि आप गेटअप में आए और आप लोगों को वर्कआउट करना है तभी आप ड्रिल्स कर सकते हैं, ऐसा नहीं. आप चाहे तो अभी भी मेरे साथ ही मोबिलिटी ड्रिल्स कर सकते हैं, मगर इन मोबिलिटी ड्रिल्स को एक दिन करने से आपको फायदा नहीं मिलेगा, इनको आपको कॉन्स्टेंटली करना पड़ेगा. काफी टाइम रोज प्रैक्टिस करते करते आपकी जो है फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटीज आपकी जॉइंट्स की हमेशा बनी रहेगी. और आपको जैसे अचानक से कभी वर्कआउट में इंजरी हो जाती है या आप कभी कुछ हैवी सामान लिफ्ट करते इंजरी हो जाती है, वो सब आपको नहीं होगी क्योंकि आपकी ऑलरेडी जॉइंट्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी. तो चलिए कुछ हम लोग क्विक मोबिलिटी ड्रिल्स देखते हैं शोल्डर की. पहले ड्रिल हम लोग करेंगे आर्म रोटेशन. सो इसमें आपका पूरा शोल्डर जॉइंट मूव होगा. आप सिंगल हैंड से करेंगे 8 to 10 रेप्स. नाउ चेंज योर साइड, अनदर हैंड से आप लोग करेंगे 8 to 10 रेप्स. Keep going slowly slowly, don't take jerks. This is just mobility drills. ये कोई वर्कआउट नहीं है कि आप सोचे इसमें ज्यादा एफर्ट लगा दें और हम लोग इससे वेट लॉस कर सके या फैट लॉस. हर चीज वेट लॉस फैट लॉस के नहीं होती है, कभी कभी हम लोगों को अपने जॉइंट्स और ड्रिल्स पे भी ध्यान देना पड़ता है. और यू कैन डू इट विद बोथ हैंड्स. Six to eight time, one direction, and then you can change your direction. Do it slowly, slowly. Shoulder support नहीं करते हैं, तो जहाँ तक support करते हैं, you can go with that only. Second drill हम लोग करेंगे arm swing, opposite arm swing. Keep going. This workout also works on your chest. Opening your chest and working on your shoulder joints. Do it 12 times. 6 each side. Back side. Clap. जहां तक आपकी flexibility support करी वहीं तक करेंगे. Don't take jerk और अपनी body को force नहीं करेंगे. एक दिन करने से कुछ नहीं होगा, इनको आपको constantly एवरी डे और वीक में एटलीस्ट 4-5 डेज तो करना ही है. बॉक्स होल्ड करेंगे आप लोग. नाउ आपको सिर्फ अपने शोल्डर मो से ही जॉइंट से अप एंड डाउन हो रहा है. बॉडी का मूवमेंट बाकी कुछ नहीं होगा, नेक न्यूट्रल, स्पाइन स्ट्रेट, सिर्फ शोल्डर से अप डाउन विद योर नॉर्मल ब्रीदिंग. नेक को बहुत बेंड नहीं करना है, नेक को न्यूट्रल. इस वर्कआउट को करते करते एक ड्रिल्स को कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि दूसरी पार्ट को आप लोग इंजर्ट कर दें. नेक्स्ट वन एग्जाम्पल, लाई डाउन स्ट्रेट, सिर्फ शोल्डर जॉइंट से आप लोग क्या करेंगे अप डाउन डाउन डाउन. नॉर्मल ब्रीदिंग ध्यान रहे, आपका नेक, आपका लोअर बैक, आपका स्पाइन सब ग्राउंड सपोर्टेड रहे. सिर्फ इस मूवमेंट में आपके शोल्डर से आप जॉइंट से आप लेफ्ट हैंड्स को करेंगे और हैंड्स को डाउन करेंगे. इस तरह का वर्ड ऑफ बैंड है, दिस इज कॉल्ड हैरा बैंड. ये फ्लेक्सिबल होता है काफी. इस तरह का बैंड है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग कोई दुपट्टा या कोई क्लोथ पीस यूज कर सकते हैं.
तो हम लोग इसको होल्ड करेंगे एंड आपको इसके सर्कल्स बनाने स्लोली स्लोली. डोंट टेक जर्क, वी आर वर्किंग ऑन मोबिलिटी. स्टार्ट योर फुल सर्कल्स. और अगर आप लोग फुल सर्किल नहीं बना पा रहे हैं, आपको शोल्डर में बहुत पेन है, इंजरी है, तो आप जहाँ तक आप हैंड को ले जा सकते हैं आप वहाँ तक ले जाएंगे और डाउन करेंगे. नॉर्मल ब्रीदिंग. ओपन योर हैंड. एक्सपैंड. स्ट्रेट करवाएंगे. कोशिश करेंगे आपकी एल्बो है बॉडी के बहुत पास है, बहुत गैप नहीं रखना है. आप एंड अप शोल्डर से आप अपने हैंड्स को अप करेंगे, डाउन करेंगे. नेक मूवमेंट ऐसे नहीं करेंगे, ना नेक मूवमेंट करेंगे. नेक न्यूट्रल, स्पाइन न्यूट्रल, सिर्फ शोल्डर जॉइंट से अप एंड डाउन. ध्यान रखें जर्क भी नहीं लेंगे इसको करते हुए, बहुत जल्दीबाजी नहीं है हमें मोबिलिटी ड्रिल्स करते हुए. डू स्लोली स्लोली. Feel the stretch on your targeted parts. So, बिल्कुल अपने joints पे काम कीजिए. अपने जो mobility drills है उनको कभी skip नहीं कीजिए. Shoulder, neck, knees, spine, lower back. आपके body के जो small small joints है जिनको हम ignore कर देते हैं, आगे जाके यही हमारी main injury का reason बन रहे हैं. सो नेवर स्किप योर मोबिलिटी ड्रिल्स. आप वर्कआउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, एटलीस्ट ड्रिल्स तो आप कर ही सकते हैं. मेरे इस शॉर्ट वीडियो में आई थिंक आपको काफी इसमें ड्रिल्स का आइडिया लग गया है. इसमें मैंने आपको शोल्डर्स ड्रिल्स के बारे में बताया है. इसी तरह से मैं आपको काफी और भी मोबिलिटी ड्रिल्स बताती रहूंगी और साथ ही साथ वर्कआउट हमारे चैनल पर आने वाले हैं. दिस इज आवर मेन मोटिव टू मोटिवेट ईच अदर. सो प्लीज कमेंट बिलो आपको किस तरह के वर्कआउट देखने हैं और आपको हमारा वीडियोस कैसे लग रहे हैं, हमारा चैनल कैसे लग रहा है. प्लीज राइट सम गुड वर्ड्स सो दैट इट कैन मोटिवेट अस ऑल. स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी, कीप हाइड्रेटेड योरसेल्फ एंड स्टे पॉजिटिव. बाय. टेक केयर.